राजस्थान विधानसभा में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल और आक्रामक अंदाज को तो आपने देखा ही होगा। आज उत्तर कोटा से विधायक शांति धारीवाल ने बजट भाषण पर जवाब देते हुए भजनलाल सरकार को बार बार निशाने पर लिया। शांति धारीवाल अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने सबसे पहले शरद पवार के बयान का जिक्र कर पीएम मोदी को निशाने पर लिया, तो इसके बाद गहलोत सरकार की योजनाओं का जिक्र कर भजनलाल शर्मा पर सवाल उठाए। साथ ही मनुस्मृति का जिक्र कर सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया। देखिए उनका ये दमदार भाषण। सभापति महोदय, आपको इस आसन पर देख करके मन प्रसन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका, जारी रखें तो आप। और कुछ नहीं मिला तो कम से कम इस आसन को तो ना, आप इनको अपना उत्तराधिकारी और घोषित कर दो। माननीय धारीवाल साहब, इनको उत्तराधिकारी और घोषित कर दो। आप तो अपने उद्वाक के बोले जो आप पढ़ के आए। देखिए साहब, इस बजट में 10 संकल्प लिए गए हैं और 10वां संकल्प जो है वो गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस में आपने परफॉर्म बता दिया, रिफॉर्म बता दिया और ट्रांसफॉर्म बता दिया। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो 8 फरवरी को पहला बजट आया, उसके ठीक 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। उस लोकसभा के चुनाव में जो 11 सीटें पिछली बार दो बार से आप बराबर जीत रहे थे, वो दोनों से 11 की 11 सीटें कांग्रेस ने आपसे था आपके हाथ से छीन ली, तो आपकी परफॉर्मेंस तो दिख गई। तो मोदी की गारंटी वो भी हवा हो गई और आपका बजट भी हवा हो गया। एक मंत्री तो ऐसा है कि जो अपनी खराब परफॉर्मेंस के वजह से यहाँ आना ही बंद कर दिया। वो बराबर में बैठते थे आपके। महाराष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 17 रैलियां ली और 17 रैलियों में से 14 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई। राजस्थान में 8 जगह पहुंचे और 8 में से सिर्फ 3 सीट ले पाए, बाकी 5 सीट कांग्रेस की आ गई। तो ये आपकी रही परफॉर्मेंस। रैली करवा करके जगह जगह आपका शरद पवार, महाराष्ट्र का बजट है वो। बल्कि शरद पवार जी ने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी कृपया महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भी पधारना ताकि हम आसानी से जीत जाए। आप तो राजस्थान पे आ जाओ, सुपड़ा साफ हो जाए। आप तो राजस्थान पे पधारे। रिफॉर्म हुआ, अब रिफॉर्म में चीफ सेक्रेटरी साहब वो जगह जगह जाकर के हाजिरी रजिस्टर चेक करते हैं और मोबाइल से फाइल के फोटो खींचते हैं। नतीजा कुछ नहीं निकला, फाइलें पेंडिंग की पेंडिंग पड़ी हुई है और लोग धक्के खा रहे हैं, उनके कोई काम नहीं हो रहे। ये आपका रिफॉर्म आपने किया। जन सुनवाई चालू करी थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में, 2 रोज चली और तीसरे रोज उन्होंने कहा कि कौन जूते खाएगा भैया, हम तो नहीं जा रहे। अब वो बंद करनी पड़ी। ठीक इसी तरह ट्रांसफॉर्म की बात है तो ट्रांसफॉर्म में शासन की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए, मंत्रियों के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। सारे ब्यूरोक्रेट जो यहाँ पर बैठते हैं वो है असल में शासनपति, तो वो हो रहे हैं। सारे काम दिल्ली से हो रहे हैं। सीएस सीधा रिपोर्ट भेजता है और वहाँ से हुक्म आता है और उस हुक्म की पालना करनी पड़ती है जग मार करके आप लोगों को। आपने जैसा अभी डोटासरा साहब ने बताया कि साहब 70,000 करोड़ रुपए का राजकीय घाटा बताया, लोन ले उसको लोन लेना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। आप कहते हो ना कि साहब लोन लेना,
1952 से लेकर के 2014 तक जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेसी ज्यादातर कांग्रेस की रही, कुल मिला के देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। लेकिन इन 14 से लेकर के और 2024 तक 10 सालों के अंदर अंदर आपने 112 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, 112 लाख करोड़ का। गेहूं खरीदने के लिए बात कर रहे थे कि साहब 2700 रुपए में जो है हम गेहूं खरीदेंगे, उसे मुकर गए। गौ माता की रक्षा की बात करते हो आप, अब सुनो मेरी बात सुनो आप, गंभीर बात है गौ माता की। आज 1700 ही करेंगे, शुरुआत कर दी है, 2700 कर दिया है, 5 साल के लिए 2700, तो आप एक साथ मत माने और 2700 करेंगे। एक साल की बात कर रहा हूं। ये लिखा है क्या कि हम टुकड़ों में करेंगे? लिखा है 5 साल का नोट हो रहा है, पे 5 साल का नहीं, इसमें नोट हो रहा है। आप बता दो, आपने कहा है कि 5 साल का 2700 कर दिया है, 2700 करेंगे। आपने 2700 कहा था, 2400 ही कर साल में। अब आप बैठ जाओ, धारीवाल जी को बोलने दो, डिस्टर्ब मत करो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो परमिशन से, ये हमारे सीनियर हैं और इन्होंने तो, इनकी तो बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर है और भी रहेगी। माता की बात कर रहा हूँ, उनको रोको, शांति धारीवाल साहब, उनको रोको। हाँ, वो उनको क्या आदत है थोड़ी बीच में, धारीवाल जी के साथ ही है, धारीवाल जी हमारे साथ है। हम गोमाता की बात करते हैं, ये देख लो हमारी बात करते हैं ना। और बल्कि सरकार ने तो अपने इसमें बजट स्पीच में गोमाता की रक्षा के लिए लोन देने के लिए भी कहा है। मैं तारीफ करता हूँ इस बात की, लेकिन कत्लखाने तो चल रहे हैं, जगह जगह कत्लखाने चल रहे हैं, उनको तो रोको। और ये सुनो आप, बात सुनो, बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, उन्होंने अपने लेटर हेड पर 3 किलो गोमांस बांग्लादेश ले जाने के लिए अपने लेटर हेड पर एक परमिट जारी कर दिया। बीएसएफ के चीफ कमांडर के नाम पर ये लेटर है। ये बताइए आप, एक तरफ गोमाता की रक्षा की बात करते हो, आप मदद करो तो कत्लखाने का विषय गंभीर है, पक्ष दोनों मिलकर करें तो इसमें गंभीरता से विचार। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार तो लेके आप बैठे हो, तो करो बंद उनको, तो हम कर देंगे, करो कत्ल, बिल्कुल कर देंगे। कर क्या देंगे, ये जिसका क्या करोगे, जो केंद्रीय मंत्री लिख करके दे रहा है बीएसएफ कमांडर को, ये तो इस 3 किलो मांस, ये इसका भाग नहीं है, ये फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी बनाती होती है, इसका लेटर है, ये तो फोटोकॉपी है, ये कहीं भी बन जाती है, ये उसका लेटर हेड है, ये आपके पास कैसे आ गया, आपके पास किस ओर से आया, आपके पास कैसे आ गया, मंत्री जी ने लिखा बांग्लादेश गया, आपके पास कैसे आ गया। अरे यार, अब आप डॉक्टर शरीफ को बोलने तो दो, इसका तो जवाब है नहीं आपके पास कि मंत्री के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री जी से कहेंगे। कम से कम ये तो कहना चाहिए आपको, अगर गो 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 रक्षक हो, गो को माता मानते हो, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप प्रधानमंत्री जी से कहो कि इस मंत्री को बर्खास्त करें इसको बर्खास्त। गोविंद देव जी का मंदिर, हमने 100 करोड़ रुपए पिछली सरकार में जो रखे थे और उसकी डीपीआर तैयार कर दी थी, सारे नक्शे बन गए थे, सब कुछ बन गए थे कि 100 करोड़ रुपए में हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे और कॉरिडोर बनाएंगे वहां पर, उसको गायब कर दिया। गायब क्यों कर दिया, ये किसका दबाव है, कौन वहां पर जो है दुकानदारों पर जो है दबाव डाल करके खाली करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है? अपने स्थान पर बैठे सरकार में बैठे हुए लोग इस सरकार का उस तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। कायदे से तो रिलीजियस पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमें डिग्गी कल्याण जी, सालासर जी, देव रामदेवरा जी, इनको जो है डेवलप करना चाहिए। उस महिला से विवाह नहीं किया जावे जिसके बाल कम हो, और ऐसी महिला जो नीची जाति की हो उससे विवाह नहीं किया जावे, ये है उस मनुस्मृति में।
अब इस मनुस्मृति में मैंने इसलिए कहा आपको जिक्र किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के लोग इकट्ठे हुए और लॉ फैकल्टी के जो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि लॉर्ड उसमें मनुस्मृति को कानून की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, मतलब लॉ की शिक्षा में इसको शामिल किया जाना चाहिए। आप देखिए क्या मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं। और वो ये कौन लोग थे, हालांकि इसको वाइस चांसलर ने मना कर दिया, कह नहीं ऐसा मनुस्मृति नहीं पढ़ेगी, और बल्कि शिक्षा मंत्री जी ने भी किया, मैं अच्छा मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने ये का प्रस्ताव पास किया। दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें माननीय वरिष्ठ सदस्य। ये लेक्चरर और प्रोफेसर कौन थे, ये वो लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे, जो संघ से रिलेटेड लोग और लोग जो है आज इस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कर्नाटक के एक नेता भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। बात सुन लो नहीं बजट पे आप सुन लो आप बजट पे बोलो गलत बात है, संविधान बदलेंगे जो इस सदन का हिस्सा नहीं है उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते आप देश में कि संविधान नहीं जो इस सदन का हिस्सा नहीं है उसको नहीं बोल सकते। मत करो मंत्री जी डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। उससे सारी जने आग लग गई थी उससे एक एक बार कहने से। ये जो शुरुआत है कि मनुस्मृति को हम लाके पढ़ाई में पढ़ाएंगे, क्या समझे ये वो शुरुआत है? ये कहीं ऐसी इतने ऐसा नहीं हो कि जैसे संविधान की आग ने जो है आपको सरकार को जो है वो को बहुमत नहीं लेने दिया, आप निपट जाओगे इससे, थूपड़ा साफ हो जाएगा। ब्राजे माननीय सदस्य ब्राजे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आखिर में कि मनुस्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया आप समाप्त करें साहब तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि इस देश में आग लग जाएगी इस देश में। सरकार पर हावी है। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ एक आखिरी में और क्लियर करना चाहता हूँ पोजिशन। ब्राजे यूडीएच मंत्री साहब आप अपनी बात समाप्त करें साहब। दो मिनट। ब्राजे एक मिनट आप अपनी बात समाप्त कीजिए। हाँ एक मिनट आप बोलिए। आप बैठिए। कालीचरण जी का एक काल अटेंशन मोशन था। बैठिए। कालीचरण जी का एक काल अटेंशन मोशन था। माननीय यूडीएच मंत्री साहब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अरे बैठिए। आप भी बिराजे माननीय सदस्य आप भी बिराजे सेंट्रल पार्क आप भी बिराजो नीचे बिराजो आप बिराजो आप समाप्त करें साहब। हाँ एक मिनट। हाँ 1999 में जब ये सेंट्रल पार्क सरकार अरे आप बिराजे माननीय सदस्य बोलिए साहब समाप्त करें। सभापति जी को समझाइए क्या क्या जरूरत रखा है आप। अरे आप पिताजी से बड़ी उम्र के आदमी बोल रहे हैं। नीचे बैठो आप बैठो। सन 1999 में ये सेंट्रल पार्क सरकार के कब्जे में आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जयपुर महाराजा है वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया उनको। हमने कब्जा कर लिया इस पे। जब हमने कब्जा किया यूडीएच मंत्री साहब मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ आप जरा थोड़ा सा करेक्ट हो जाओ उससे जो आपने जवाब दिया उससे।
जब जब हमने इस पर कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया। वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ को, गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी ज़मीन जो है वो जेडीए की रहेगी और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा, यूडीए सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा और जेडीसी जो है वो इसका सेक्रेटरी रहेगा। ये बात सही है। आपने कहा कि साहब एमओयू नहीं किया, नहीं किया एमओयू, लेकिन समझौता हो गया था बाकायदा और समझौते पे दस्तखत है, फाइलों पे सब पे दस्तखत हैं, जिसपे गोल्फ क्लब वालों के भी दस्तखत हैं और पोलो क्लब वालों के भी दस्तखत हैं और अफसरों के भी सबके दस्तखत हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये गोल्फ क्लब वाले और पोलो क्लब वाले अतिक्रमण करने के आदी हैं, कई बार हमने इनके अतिक्रमण तोड़े हैं, श्रीमती कल्पना देवी कई बार हटाए हैं। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर। कई बार इनके हमने अतिक्रमण हटाए हैं और आज आपने घोषणा करी है, इन्हें कहा है कि साहब वहाँ पर यूडीएच मंत्री है, यूडीएच के जितने भी अफसर थे वो सब मेंबर बन गए। बात सही है, इसकी जांच करवाइए, जांच के लिए आपने कह दिया, बिल्कुल जांच करवाइए। अब बात सुन लो, आप मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी सुन लो, जांच करवा लेना आप और करवाना भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप उन दोनों का, ना गोल्फ क्लब का बिगाड़ पाओगे। आप कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय, ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, आप राजे साहब, आपको कुछ नहीं करने देंगे, याद रखना कुछ नहीं करने देंगे।